स्किन प्रेपिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आई हैड टू लिटरली गेट रेडी इन 10 मिनट्स बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट एंड आई ऑल्सो हायर अ हेयर स्टाइलिस्ट फॉर दिस डे. स्टार्टिंग ऑफ बाई कलर करेक्टिंग अराउंड माई लिप्स. आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर, गोइंग टू ब्लेंड दैट यूजिंग माई फिंगर्स. नेक्स्ट अप मैं यूज कर रही हूँ पोर फिलिंग एंड मैटिफाइंग प्राइमर ऑन माई टी जोन एरिया. बहुत ही ह्यूमिड वेदर था एंड दिस रियली हेल्प्ड माई मेकअप टू लास्ट लॉन्ग. फॉर फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज मेबेलिन सुपर स्टे लूमी मैट एंड एस्टे लॉडर डबल वेयर फाउंडेशन. जो लूमी मैट है ना वो हल्का सा ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेरी स्किन पे एक शेड डार्कर दिखने लगता है, इसलिए आई हैव बीन मिक्सिंग सम अदर फाउंडेशन विद दिस फाउंडेशन. इन दोनों फाउंडेशन को जब मैं मिक्स करके अप्लाई करती हूँ ना, इतना सुंदर फिनिश आता है स्किन पे. आई वेंट फॉर अ फुल कवरेज लुक बट आई केप्ट द मेकअप बेस लाइट वेट. आई मीन कवरेज अच्छा था बट लाइट वेट था वो. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज मेबेलिन एज रिवाइन कंसीलर इन द शेड कैरेमल टू कलर करेक्ट अंडर माई आईज एंड ऑल्सो टू हाइड द अंडर आई डार्क सर्कल्स. दिस कंसीलर इज अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन. आई एम नॉट गोइंग टू हाईलाइट अंडर माई आईज टुडे. फेस को सेट करने से पहले मैं यूज करूंगी ड्यूई लिक्विड ब्लश. This is called Turkish Delight by Pak Exara. So I applied the blush near my cheekbones, also applied that on my nose and my chin, and going to blend it in the upper direction to give a lifted look to my face. This lasted so well on my face. I danced, I roamed around, I was running, it was humid weather. In my powder puff, I'm going to take my compact. I'm going to remove the excess in the back of my hand. पहले under eye को set करूंगी. दूसरे side पे ना creasing आ गई थी, तो पहले मैंने उसको अच्छे से remove किया with the help of my concealer brush. And then I'm going to set my under eyes again. उसके बाद थोड़ा सा और पाउडर पिक करके आई एम गोना सेट माय एंटायर फेस, माय ब्लश एज वेल. गोइंग टू यूज हुला ब्रॉन्जर टू कॉन्टोर माय फेस, कॉन्टोरिंग माय चीक बोन्स, माय जॉ लाइन. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, व्हेन यू कॉन्टोर वेल आपके पिक्चर्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं. आई ऑल्सो कॉन्टोर माई फोरहेड एंड आई पिंच द ब्रश एंड कॉन्टोर माई नोज एज वेल. आईज के लिए मैं कूल टोन मॉफ पिंक आई शेडो ले रही हूँ. गोइंग टू अप्लाई दिस ऑल ओवर माई क्रीज लाइन एंड देन आई एम गोइंग टू यूज अ वार्म टोन मैट मॉफ पिंक आई शेडो एंड गोइंग टू अप्लाई दैट ऑल ओवर माई आईलेट. फिर एक छोटे से फ्लफी ब्रश में आई एम पिकिंग डीप बर्गन shade and going to apply that very close to my lash line as a eyeliner. I'm applying this. You don't have to be precise with it but we are going for a smoky burgundy eyes. Eyes ko halka sa squint karke I'm going to apply that same shade on my lower lash line as well. Thoda sa thick apply kar rahi hu main. This is so far how my eyes are looking. I'm going to do the other eye off camera. So har baar makeup mein ek oomph factor batati hu. Yahan pe oomph factor ye hai ki I'm going to tight line my upper lash line. This is going to make a huge difference to the eye look. My eyes are going to look fuller aur halka sa black burgundy smoky look mujhe milega. Going to curl my eyelashes. Trust me, they do make a huge, huge difference. फिर खूब सारा waterproof mascara apply कर रही हूँ. This is L'Oreal Lash Paradise mascara. ये mascara ना 2 महीने पुराना है तो हल्का सा सूख चुका है. Somehow this mascara gives more fuller effect to the lashes. सूखने के बाद I don't know, it's just me और आपके साथ भी इस mascara के साथ ऐसा होता है. Lower lashes पे mascara apply करने के बाद मैं थोड़ा सा powder blush भी add कर रही हूँ अपने face पे. You know when you layer your blush, जब powder blush हट जाएगा ना तो liquid blush रहेगा skin में. Next I'm going to comb through my eyebrows and then we'll start filling up the sparse area of my eyebrows. सामने सामने हल्के हल्के स्ट्रोक में मैं फिल कर रही हूँ और आईब्रो आर्क एरिया में हल्का सा प्रेशर मैंने ज्यादा दिया. आफ्टर फिलिंग अप माई आईब्रोज आई एम गोइंग टू सेट माई आईब्रोज इन प्लेस यूजिंग आईब्रो जेल. ये मस्कारा ना अच्छे से आईब्रो के बाल को सेपरेट कर देता है विच आई लाइक. फिर छोटे से पेंसिल ब्रश में आई पिक्ड माई हाईलाइटर, गोइंग टू अप्लाई दैट ऑन द इनर कॉर्नर. पिंकी फिंगर की मदद से क्रीज लाइन पे हल्का सा ब्लेंड किया. गोइंग टू हाईलाइट माई आईब्रो आर्क एरिया, द ब्रिज ऑफ माई नोज. फिर फैन ब्रश में हाईलाइटर को पिक करके आई एम गोइंग टू हाईलाइट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस, दैट इज माई चीक बोन एरिया एज वेल. फिर सेटिंग्स में से पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करूंगी. फिर वेट एंड वाइल लिप लाइनर से लिप्स को आउटलाइन किया. गोइंग टू फिल अप माई लिप्स विद दिस एज वेल. ये लिप लाइनर काफी जगह आउट ऑफ स्टॉक है, इसका एक अल्टरनेटिव आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड देन आई यूज द शेड रानी सा बाय माई ह्यूज. अपने लोअर और अपर लिप पे अप्लाई करने के बाद आई यूज द शेड सांगरिया बाय लैक्मे जस्ट ऑन द सेंटर ऑफ माई लिप्स टू गिव दैट लिटिल फुलर ओम्ब्रे इफेक्ट टू द लिप्स. देन आई वॉर माई इयररिंग्स, दीज आर बाय स्वरस्की, एंड हो गया लुक कम्प्लीट. दिस इज सच अ सिंपल इजी टू डू ब्राइड्समेड मेकअप लुक. जैसे कि मैंने बर्गंडी के साथ हल्का सा स्मोक आउट लुक किया, आप ब्राउन टोन आई शेडो के साथ भी कर सकते हो, वो भी काफी खूबसूरत लगेगा. दिस मेकअप लास्टेड ऑन माई फेस फॉर अप टू 7 to 8 hours एंड दिस इज माई ब्यूटिफुल ब्राइड्समेड आउटफिट. आई गॉट इट स्टिच्ड बाय बेस्टी रिया, जिसकी मलयाली वाइट वेडिंग के लिए मैं ब्राइड्समेड थी. उसने हम सारी ब्राइड्समेड को कपड़ा भेजा था स्टिच कराने के लिए. द एंटायर लुक टर्न आउट टू बी सो गुड. आई होप यू लाइक द आउटफिट एंड द मेकअप. मैं आपसे फिर मिलूंगी विद ब्रांड न्यू कॉन्टेंट एंड मेकअप ट्यूटोरियल. बाय एवरीवन, टेक केयर.